टॉपिक ऑफ द डे में आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन कितने तरीके के थे और किसने क्लासिफाई किया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने और इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांटाई एंड एनिमिलिया में। इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने, आर एच वेटिकन ने। ईयर में कौन सा था, 1969, ये बहुत पूछा जाता है। इसके बाद इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। मोनेरा में जो था वो तो प्रोकैरियोट्स रखे थे, बाकी के जो चार किंगडम थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया, इसमें यूकैरियोट्स रखे थे। इन्होंने जो क्लासिफाई करने के लिए क्राइटेरिया जो यूज की थी ये भी पूछा जाता है। तो क्राइटेरिया कौन सी थी, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शंस एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स।